तो मैंने ले लिया है गिफ्ट और अभी चलते और देखते कि उनके ऊपर ये गिफ्ट कैसा लगता है। देते हैं सरप्राइज राहुल मम्पी और मायरा। तुमको क्या लगता है क्या है इसमें बाबू? देख कर ही समझ रहा है इतनी गंदी तरीके से फेंका है, पूरा टूट गया है ये। हम लोग एक फोटो लेते फोटो। Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. तो मैं हूँ ढाका में और वैदु है दिल्ली में। हम लोग दोनों अलग अलग जगह पे और अब मैं ढाका से जा रहा हूँ कोलकाता। ये एक सरप्राइज है, राहुल मम्पी मायरा किसी को नहीं पता है कि मैं आने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं ढाका से, क्योंकि मैं यहाँ पे दो तीन दिन के काम के लिए आया था, बिजनेस ट्रिप था ये। तो मैंने वो बिजनेस ट्रिप कंप्लीट कर लिया, सारा काम हो गया एंड आज है वक्त यहाँ से जाने का। तो चलो चलते हैं। अब मैंने पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर ली है, बस बैग मुझे उठा के रखनी है और नीचे जाना है। तो लेके चलता हूँ आपको ढाका से कोलकाता एंड देते हैं सरप्राइज राहुल मम्पी और मायरा को। बहुत दिन से मायरा से भी मिला नहीं बहुत अच्छे से। सो चलते हैं और मजे करते हैं, ये ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। जाने के पहले एक रूम टूर दे देता हूँ। सबसे पहले व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से एंड नीचे है ट्रैफिक, बिकॉज ढाका में बहुत ट्रैफिक होता है। द रूम लुक्स समथिंग लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर सोफा वगैरह बैठने के लिए, यहाँ पर मेरा फेवरेट चीज, इसको मैं एक दिन लेकर जाऊंगा अपने घर पे। यहाँ से एंटर करते हो आप एंड यहाँ पर आपके पास एक अपना पूरा बेड है जहाँ पे मैंने बैग मेरा पूरा पैक करके रख दिया है। सामान थोड़ा बिखरा बिखरा पड़ा है एंड मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। एंड यहाँ से भी एक छोटा सा जगह, यहाँ पर सेफ लॉक, यहाँ पर बाथरूम, बाथटब और कुछ इतना बड़ा बाथरूम, सो आई लव दिस। भाई देखो मेरा फोन रह गया यहाँ पर, मैं फोन ले लेता हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि मैं निकल ही रहा हूँ बस। सो हो गया हूँ मैं रेडी, अब बस ये दो चीजें मुझे बैग में डालनी है एंड देन चलना है नीचे। तो चलो बैग भरते हैं और चलते हैं नीचे। बैग हो गई पैक, अब चलो चलते हैं। एक्चुअली चलते हैं नहीं भागते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह मुझे लेट हो गया है। मैं निकल गया हूँ अभी, कार में हूँ और 10 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। तब तक आपको मैं ढाका का नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दिखा देता हूँ। मस्त रोड बनाया हुआ है और बहुत नया नया बनाया है, 6 महीने भी नहीं हुए इसको बनकर। और जब ये पहले दिन बना था ना तभी मैं आया था इस रोड पर, तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, देखो मजा आएगा आपको देखने। तो ये रहा ढाका का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता यहाँ पर। नीचे से अगर आप आओगे तो इतना ट्रैफिक होता है, बाप रे। I have an apple. मुझे ये apple बहुत पसंद है। And my pink socks. ये जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक नया एयरपोर्ट बनने वाला है। अभी ढाका में एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल बनने वाला है। ये रहा बांग्लादेश एयरपोर्ट एंड बहुत ज़्यादा भीड़। अब मैं जाऊँगा ये गेट से अंदर। अभी मैं हूँ फ्लाइट में और फ्लाइट का टाइम सिर्फ 30 मिनट्स का है। 30 मिनट्स में हम लोग कोलकाता पहुँच जाएंगे, तो चलो जल्दी जाते हैं कोलकाता और सरप्राइज करते हैं। फ्लाइट हो गई है और मुझे लेग स्पेस इतना मिला हुआ है, बाप रे बाप। फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और ढाका का सनसेट देखते देखते मैं चला गया कोलकाता। कोलकाता जैसे आया इतना खूबसूरत लग रहा था ऊपर से शहर देखने। एक बहुत फनी बात हुई, ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट्स की थी लेकिन 1.5 घंटा लग गया ऑलमोस्ट, और आधे घंटे तक मैं सिर्फ कोलकाता शहर के ऊपर ही ऊपर घूम रहा था गोल गोल, क्योंकि फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन ही नहीं मिल रही थी, क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार क्लियरेंस मिला और हम लोग लैंड कर गए कोलकाता एयरपोर्ट। वेलकम टू कोलकाता। तो इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया और अब मैं बैग का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेल्ट पे एक भी बैग नहीं है। तो बैग ले लेंगे, इसके बाद कैब बुक करेंगे और सीधा चलेंगे बाहर। बैग आया एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। देखकर ही समझ रहा है इतनी गंदी तरीके से फेंका है, पूरा टूट गया है ये, पूरा टूट गया है। ऑल दी अदर व्हील्स आर ओके बट दिस इज फक्ड अप। मतलब इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी इंडिगो के ऊपर, मतलब व्हाई डू दे डू दैट। मतलब बैगेज ऐसा फेंकता कौन है भाई, पूरा टूट गया, खड़ा भी नहीं हो पा रहा बैगेज और बोलते हैं कि मेल करेंगे अभी। अगर सोचो मेरे जगह पे मेरे पेरेंट्स होते, वो लोग कैसे बैग लेके जा पाते यार। ये जो बैग चल रहा भी नहीं, मेरे को उठा के लेके जाना पड़ रहा है, 18 किलो का बैग, नॉट कूल। बट ठीक है कोई बात नहीं, दिन को स्पॉइल नहीं करता है। वेलकम टू कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ अभी एंड कैब के लिए वेट कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, हम लोग सरप्राइज देने वाले थे, सरप्राइज मुझे एक यहीं पे मिल गया, बट चलते हैं अभी। पहुँच तो गया कोलकाता, लेकिन सरप्राइज देने से पहले मैंने सोचा कुछ लेकर जाऊँ, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए कुछ ले लिया है। तो चलो सबसे पहले बिल करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं और देते सरप्राइज। तो मैंने ले लिया है गिफ्ट और अभी चलते हैं और देखते हैं कि उनके ऊपर ये गिफ्ट कैसा लगता है। एक है मायरा के लिए, एक है ममम के लिए। ममम का मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहा था, मैंने क्या लिख दिया देखो।
सुबह से कुछ भी अच्छे से खाया नहीं, तो पहले सोचा घर जाने के पहले थोड़ा सा खा लूँ। मैंने पानी पूरी ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे और वैदू को यहाँ का पानी पूरी बहुत पसंद है और मैं अभी वैदू को मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बट यस, पानी पूरी ऑर्डर किया, चलो खा लेता हूँ और उसके बाद सीधा चलेंगे, कसम से इस बार चलेंगे घर पे। साउथ सिटी मॉल में कैलाश पर्वत से हम लोग खाते हैं ये वाला पानी पूरी, वेरी टेस्टी। घर के लिए निकल ही रहा था उतने में रास्ते में देखो क्या मस्त सीन देखने मिला, पर चलो चलते हैं घर और देते हैं सरप्राइज। बाबू क्या है इसमें, क्या है इसमें? चॉकलेट। चॉकलेट लग रहा है तुमको? तुमको क्या लगता है क्या है इसमें बाबू? कुरकुरे। कितनी सिंपल लड़की है यार, तुमको क्या लगता है मम्मी क्या है? हमको ड्रेस। तुमको? हमको कोई आईडिया नहीं है। हां चलो देखते क्या, चलो देखते क्या। न्यूडलेस ठीक है, ठीक है। मायरा किसका नाम है? मायरा नाम किसका है? तो ये मायरा का। और ममम किसका नाम है? मेरा नाम। तो ये ममम का। मिला। खोलो। कौन पहले खोलता है देखते? देखते देखो पीछे से खोलो अच्छे से मस्त से। ममम हम हेल्प कर आपका। धीरे धीरे ममम। अरे 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 खोलो। मिलते हैं, इसको ड्रेस पहनने दो फिर मिलते हैं। क्या बात है, वाओ दोनों को हो गया ड्रेस, यू लुक सो क्यूट। देखो कितने क्यूट लग रही दोनों। अरे ये तो एक फैशन शो करने लग गया। ये मेरा साइज है ठीक, ये बहुत छोटे बने हैं। वाओ बहुत क्यूट लग रही है। नाइस, यू वेलकम। क्यूटी क्यूट है, इधर आओ दोनों साथ में खड़े रहो, हम लोग एक फोटो लेते हैं। फोटो मारे स्माइल करके उधर देखो मायरू, मारा स्माइल करके। क्यूट लग रहा था, मैं भी लग रहा था मम्मा को हो रहा है लेकिन पता है क्यूट है, क्यूट है। कितना खुश हो गए हम लोग। क्यूट लोग, क्यूट। कल रात को हम लोग ने बहुत सी मस्ती की और उसके बाद हम लोग सो गए और अभी भी हम लोग मस्ती कर रहे हैं। अभी तो बच्चे नहीं है, अभी तब नहीं, उसके पापा नहीं ला रहा ना अभी। तो ऐसी मस्ती चलती रहेगी हम लोग की, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग अभी। और ये देखो ये लड़की भी आ गई है यहाँ पर और इन लोग का मस्ती चलते ही रहता है ऐसा। तो बस ये ब्लॉग इतना ही, इसको देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोल दो। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। मम्मी देखिए तो मैं बैड नाम तो होता है।